रुझान आना शुरू हुआ था तभी से यहाँ पे जश्न मनना शुरू हो गया और आम आदमी पार्टी के द्वारा तीन जगहों पे ये जश्न हो रहा है। मैं इस वक्त भगवंत मान के घर पे हूँ। यहाँ पे आप उनकी घर के घर की जो दीवार है उसके साथ में आप एलईडी स्क्रीन और देख सकते हैं और दो बड़े पोस्टर आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का लगा दिया गया था और साथ में ऊपर में एक स्टेज बनाया गया था जहां से भगवंत मान ने संबोधित किया है। ये सामने का ग्राउंड है, आप देख सकते हैं, ये ग्राउंड नहीं बल्कि एक प्लॉट है जो खाली है। यहां पे कारपेट बिछा दी गई है और सुबह से अलग अलग जिलों से जो कार्यकर्ता आ रहे हैं वो यहां पे डांस कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। इतनी बड़ी जीत की उम्मीद आम आदमी पार्टी को भी नहीं थी। 18 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म होने के समय अरविंद केजरीवाल से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये माना था कि अगर बहुत अच्छा रहा तो हम 90 सीट तक भी पहुंच सकते हैं और अभी देखिए कि 90 से ज़्यादा सीट पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है और इस जीत की उम्मीद शायद यहाँ पे जो विपक्षी पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं था कि ऐसी विक्ट्री मिलने वाली है आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल इसी बीच एक तस्वीर आ रही है भास्कर, ये तस्वीर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री हनुमान मंदिर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल, उनके साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी नजर आ रहे हैं। वाकई में जश्न का मौका है ये आम आदमी पार्टी के लिए। पहले दिल्ली पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार बनाई उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी के पिछले प्रदर्शन की भी बात करें तो पंजाब में शानदार रहा था, दूसरे नंबर की पार्टी रही, ओपोजिशन में बैठी। इस बार और ताकत झोंकी, भगवंत मान के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, भगवंत मान की अपनी पॉपुलैरिटी, दिल्ली के मॉडल को पंजाब में रखा गया और अब अरविंद केजरीवाल को चूंकि ये जीत मिली है, इनकी पार्टी को ये जीत मिली है तो हनुमान मंदिर में माथा टेकने के लिए अरविंद केजरीवाल अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री और साथ में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अगर हम ये कहें कि किसी भी तरीके की कोई चुनौती कांग्रेस या अकाली या बीजेपी या कैप्टन अमरिंदर दे पाए आम आदमी पार्टी को तो नतीजों में ये कतई नहीं नजर आता। विपक्षी दल भी ये उम्मीद नहीं कर पाए कि आम आदमी पार्टी को ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलेगी। आम आदमी पार्टी हालांकि ये कह रही थी, जैसे कि हमारे संवाददाता भास्कर मिश्र भी कह रहे थे कि अगर हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो हम 90 से ऊपर भी जा सकते हैं और इस वक्त जो इंडिया टीवी पर हम आपको टैली दिखा रहे हैं उसमें 117 सीटों में से 93 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। भगवंत मान अपनी सीट जीत चुके हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े दिग्गज है उन्हें आम आदमी पार्टी ने हराया है। आम आदमी पार्टी के पटियाला से उम्मीदवार कोहली की बात करें तो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर जैसे दिग्गज को यदि हराया है, धूल चटाई है तो बाकी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।